सो हेलो फ्रेंड्स, जो इस चीज़ का हमें वेट था कि भाई जो वेंडर चेंज हो रहा है तो वेंडर चेंज क्या सच में सीजीएल चॉइस से पहले हो जाएगा या क्या चल रहा है उसकी प्रोसेस, तो आपको पता चल गया होगा कि अब वेंडर फाइनली चेंज हो ही रहा है। अब आपका जो नया एग्जाम है एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होगा या एसएससी के अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे वो टीसीएस नहीं कराएगा, टीसीएस पीवाईक्यू अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी नया पेपर टीसीएस पीवाईक्यू नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा, कौन सा पीवाईक्यू बनेगा वो आगे पता चलेगा। सो अब कौन सा वेंडर एग्जाम कराएगा, देखो कुबासन जो कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह को हैंडल करेगा और आपका जो कंटेंट बनाने वाली जो अथॉरिटी है वो भी कोई चेंज होगी। सो टीसीएस तो नहीं रहने वाला। अब इस वेंडर चेंज से आपके एग्जाम पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपकी तैयारी को आपको किस तरह से चेंज करना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए, प्रीवियस ईयर बुक्स को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर यूज करें तो कैसे यूज करें उसके बारे में हम बात करेंगे। नए बुक्स की तरफ हमें जाना चाहिए या जो आपके नए बैच लॉन्च होने वाले अलग 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 टीचर्स के क्या वो हमें ज्वाइन करने चाहिए, इन सब के बारे में ये फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपके लिए बनाए रखने के लिए। ठीक है, इस चैनल पर जल्द ही कुछ अच्छा और कुछ नया होने वाला है, सो वेट फॉर दैट, वो भी जल्दी हम अनाउंस करेंगे। सो अभी तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें। मेरी बात आती है कि क्या वेंडर चेंज हो चुका है, तो वेंडर चेंज हो चुका है। नया वेंडर कौन है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह हैंडल करेगा वो कुबासन प्राइवेट लिमिटेड है, और जो आपका कंटेंट वगैरह क्रिएट करेगा वो भी चेंज होगा, जो अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं, जो किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक ले रखी है किसी ने इंग्लिश की ले रखी है, कोई कह रहा है कि सर मैं रीजनिंग और जीके वगैरह ये बुक क्या प्रॉफिटेबल है, तो ये चाहे किसी कोई सी भी बुक हो, कोई सी सब्जेक्ट की भी बुक हो, जो आपको बुक्स यहाँ दिख रही हुई है, अगर आप में इनमें से कोई भी एक बुक ले रखी है या सारी बुक्स ले रखी है, सारी की सारी आपको प्रॉफिट इक्वली करने वाली है। क्योंकि देखो आपका वेंडर चेंज हुआ है, वेंडर आएगा क्या बनाएगा क्वेश्चंस, उसको कुछ प्रीवियस दिखेगा ना। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए प्रीवियस को बेस मान के ही तो आगे तैयारी कर रहे हो, बस ये हमारा अच्छा लगेगा कि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं उसी टाइप के। बट जो नया वेंडर आएगा वो प्रीवियस ईयर के पेपर देखेगा, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आए हैं पिछले सालों में, तो वो उसी के बेस पे थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाएगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, अब पेपर उससे ईजी बनेगा या हार्ड बनेगा ये हम एक्चुअल में तो नहीं कह सकते, बट आई होप कि ईजी ही बनेगा। जब वेंडर नया आया है तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेगा कि हार्ड पेपर बना के टाइप कर दे, सो मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा ईजियर साइड में ही जाएगा। अब भाई एसएससी के पेपर्स पहले से अभी इन सालों में ईजी आ रहे हैं, तो उससे ईजी तो क्या ही जाएगा, बट हाँ मतलब हार्ड नहीं बनाएगा, ये बात हम कह सकते हैं। अब बाकी बनाते उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई मान लो पेपर हार्ड आ गया तो क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ अलग लेवल के कंसेप्ट या कुछ अलग कंसेप्ट आ गए तो देखो प्रीवियस ईयर की बुक्स आपके पास चारों होगी, जो मैंने भी यहाँ दिखाई वो बुक्स होंगी, अगर नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर की बुक्स ही परचेज करें, कर लें परचेज, ठीक है, वो आपको करनी ही पड़ेगी और वही बेस है आपकी तैयारी का, वहीं से आपकी तैयारी शुरू होने वाली। सो वो बुक्स परचेज आपने कर ली रखी होगी, उन बुक्स में आपको जो आप सॉल्यूशन अभी तक कर रहे हो ना जिस मेथड से, अब हर एक क्वेश्चन पर जब आप सॉल्यूशन करो ना उसका, तो देखो कि क्या आपने उसको बस केवल रट तो नहीं रखा। अगर क्वेश्चन को आपने रट रखा है, आपको डायरेक्टली पता है अच्छा इसका आंसर तो ये होगा या उस ट्रिक से ये होगा, 2/7 कर दूंगा फिर ~100 कर दूंगा, इस तरह याद कर रखा है, या फिर 2/7 वो फ्रैक्शन या जो यहाँ अमाउंट थी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ट्रिक्स या टिप्स याद कर रखे हैं, तो वो अब आपको काम नहीं करने वाले। हो सकता है कि वो काम किसी क्वेश्चन में कर जाए, बट आप ये मान के चलिए कि आप उन तरीकों के साथ तो अब एग्जाम देने नहीं जा सकते। अब आपको बेसिक्स आने चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन का कि भाई ये क्वेश्चन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई इसकी अमाउंट इसके इक्वल करके क्यों घटाया या क्यों जोड़ा या किस तरीके से क्वेश्चन को किया है, वो आपको पता होना चाहिए। सो वेंडर चेंज होने का मतलब ये है कि अब आपको कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होना होगा। ठीक है, सो अब जो भी क्वेश्चन आप करो ना प्रीवियस ईयर की बुक में, चाहे किसी भी टॉपिक का आप क्वेश्चन करो, उसको देखो कि भाई ये बेसिक से किस तरीके से होगा। बेसिक अगर आपको आने लग गए ना, तो फिर से कोई भी आपकी एजेंसी एग्जाम कराए, कोई भी एग्जाम कराए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बेसिक्स आते हैं और ट्रिक्स बनती है बेसिक से। अब 1-2 साल बाद एग्जाम होंगे तो अलग अलग टीचर फिर जरूर ट्रिक बना लेंगे या कुछ जो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए अलग टिप्स बना लेंगे, बट अभी आपको कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होना होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी जरूरी है। सो अब जो भी पढ़ें आप, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, उसमें बेसिक्स की तरफ जरूर ध्यान दें कि भाई बेसिक से कैसे किया है। ट्रिक्स आपको आती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अभी क्वेश्चन कर सकते हो, उड़ा दे सकते हो मॉक टेस्ट में, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट अब आप जो क्वेश्चन उड़ा भी रहे हो ना टेस्ट बुक ऐप पे या किसी भी ऐप पे आप मॉक दे रहे हो, उड़ा भी रहे हो ना, उन क्वेश्चन का बेसिक क्या है वो भी आपको देखना है साथ के साथ,
कहीं धोखा ना हो जाए, ये ध्यान रखना। कहीं अभी आपके चाहे 160 आ रहे हो, बट वो 160 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको ट्रिक्स आती है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, अच्छा इसमें से यूनिट डिजिट लगा दूंगा, अच्छा इसमें मैं डिजिटल सम लगा दूंगा। तो ये ट्रिक्स अब क्या पता काम करे या ना करे, कर सकती है, बट स्ट्रॉन्ग इस चीज़ में ये लेके मत चलना कि हाँ काम करी जाएगी। ठीक है, नया कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर ले। सो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये मैंने बताया, आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप मॉक टेस्ट दें उसमें सारे क्वेश्चन पे मॉक टेस्ट देने के बाद कंसेप्चुअल करके देखो कि क्या मैं बेसिक से कर पा रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़। अब देखो दूसरी चीज़, यही बुक्स के साथ आपको जाना है, इन्हीं बुक्स से तैयारी करनी है। सो कोई नई बुक्स तो नए तो आपको खरीदनी है, इन्हीं बुक्स के साथ तैयारी करनी है, और न किसी टीचर का नया कोर्स या पेड कोर्स ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप अब कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लोगे, इसका मतलब वापस जो 80 पे हो ना, मान लो 100 में से 80 पे हो, तो वापस आप 0 पे जाओगे एंड देन आप रीस्टार्ट करोगे। और वो क्या करा देंगे, क्या उनको पता है अभी कि वो क्या करने वाला है? मान लो जो भी नया वेंडर आ रहा है क्या करने वाला है, उनको पता है? नहीं पता ना। वो क्या करेंगे, अपने दिमाग से कुछ भी बनाएंगे, क्वेश्चन आपके लिए पेड कोर्स लाएंगे और आप खरीद लोगे। आप सोचोगे अरे वाह बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल होंगे? क्या पता जो आप अच्छे क्वेश्चन के चक्कर में जा रहे हो, वो एग्जाम में मान लो 10 आ भी गए, और वो भी उनमें से करा जो आपके टीचर ने कराया उनमें से 5 आए और 5 अलग आए, और 90 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे या उससे थोड़ा बहुत घुमा के आया जो आप कर सकते थे, तो आपने उन 90 को छोड़ के उन 5 के चक्कर में लिया, कोई प्रॉफिट हुआ आपको? नहीं हुआ। सो अपने प्रीवियस ईयर को स्ट्रॉन्ग करके रखना, ठीक है, और उसको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके रखना। तीसरी चीज़, अब देखो डिमोडलाइज होना या क्या, हमारे टाइम ही सब चेंज होने हैं, वैकेंसी भी लेट आई है, क्या पता वैकेंसी कितनी आएगी, एग्जाम लेट हो रहा है, और अब ये भी चेंज हो रहा है, तो क्या हमारे टाइम ही सब हो चुका है? किस्मत खराब नहीं है भाई, जो मेहनत कर रहा है ना उसको पता है कि भाई बाकी लोग तो कई लोगों ने रट रखा होगा चीज़ों को, या टिप्स पता होगी, ट्रिक्स पता होगी, बट अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि यार वो 4-5 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनको फाइट दे सकता हूँ, क्योंकि उनको अगर उन्होंने रट रखे हैं तो अब उनके काम नहीं आने। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो नई चीज़ें हैं उनको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके यहाँ आगे मैं बढ़ सकता हूँ, मेरे पास चांस है। तो एक उसको पॉजिटिविटी की तरह लोगे ना, पॉजिटिव पॉइंट की तरह, कि यार अब मेरे पास एक एज है कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे बाकी लोग जो मेरे साथ की तैयारी पहले से कर रहे हैं वो भी मेरे इक्वली ही हैं, कोई नहीं है। ठीक है, सो ये आप प्रॉफिट देख सकते हो उस चीज़ का। बाकी आपको प्रीवियस ईयर की बुक से ही तैयारी करनी है, बस बेसिक को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, कोई नया बैच कोई नई बुक नहीं खरीदनी है। ये प्रीवियस ईयर की बुक्स जो आपको दिखाई थी अभी मैंने, वो आप खरीद सकते हो, वही खरीदो अगर नहीं ले रखी तो। बाकी ले रखी होगी किसी भी कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक जो आपके पास है उसी के साथ आपको पढ़ना है, कोई नई बुक्स नहीं लेनी है, चाहे कितनी भी बुक्स आए कितने भी पेड कोर्स आए, इग्नोर है ना, ध्यान रखना भाई, इग्नोर करना है, खरीदना नहीं है। आपको बार बार दिखेगा अपनी स्क्रीन पे, अपने यूट्यूब रिकमेंडेशन में, आपको लेना नहीं है कोई बेच, आपको अपने आप पे रहना है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं बेसिक से करने की कोशिश करूँगा, बस बात खत्म। ठीक है, और आप देखना आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। सो गो विद बेसिक्स, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, और अपनी जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उन्हीं पे स्टिक रहो, कोई नया चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो पढ़ रखा है उसको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखो। जो क्वेश्चन पहले ये आता था कि भाई इसका बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा, हो सकता है उसमें पूछ ले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके, अगर हम उसके उसमें मान लो ये दूसरा टर्म दे दे, उसमें कह दे कि इसके रिमाइंडर के साथ जो ऐड कर दें तो कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। कैलकुलेटिव बन सकता है, तो कैलकुलेशन पे काम करो अपने, कैलकुलेटिव अगर पेपर आ भी जाए तो आपको ये होना चाहिए उड़ा दूं मैं, है ना, तो कैलकुलेशन पे काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, वो काम करो, अपने कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, कंसेप्ट को, और उन पे काम करो। तो ये रटन विद्या जो है ना, रटने वाली चीज़ें जो है वो भूल जाओ, और अब कंसेप्ट पे आ जाओ, बेसिक्स पे आ जाओ, वही काम आएंगे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको सब बता दिया है कि टीचर वगैरह या बुक्स वगैरह पे नहीं जाना है। ठीक है, अगर मेरे को फॉलो करते हो, मेरी कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो तो बात मान लेना, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कई सारे लोगों को वैसे अलग अलग डाउट आते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ अलग स्पेसिफिक डाउट आते हैं। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर वीडियो बना रखा है, आपको पता होगा, बट स्पेसिफिक डाउट आते हैं कुछ, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जल्दी इस चैनल पर आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ मिलने वाला है, सो जल्दी हम मिलेंगे उसके साथ भी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।